नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं जल संकट की। भीषण गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी वजह से अधिकतर गांवों में जल संकट गहराने लगा है। ऐसा ही आलम मंडला जिले का है, जहां कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पानी पानी को तरस रहे हैं। आज मंडला के केंद्रीय गांव के दो दर्जन से ज्यादा लोग हाथों में गुंडी लेकर जनसुनवाई में पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई। पिछले 15 सालों से केंद्रीय गांव के लोग पानी की समस्या को लेकर तरस रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना तो तैयार की गई है, लेकिन वो अब तक चालू नहीं हुई है, जिसकी वजह से ग्रामीण 3 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाने को मजबूर है। गांव में मात्र 2 हैंडपंप है, वो भी बंद पड़े हैं। लगातार प्रशासन को इस मामले को लेकर शिकायत की गई है, लेकिन अब तक उनकी कोई समस्या हल नहीं हो पाई। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो चक्का जाम करेंगे। कम से कम 4-5 बहुत बहुत दूर से आ रहे हैं, कम से कम 4-5 इस खबर पर संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। अमित, इस गांव के लोग सालों से पानी को तरस रहे हैं, प्रशासन ने क्या कुछ कहा है इनके बारे में? देखिए, प्रशासन का कहना तो ये है कि जल जीवन मिशन के तहत जो कार्य जो किया जा रहा है, उसमें सबसे ज्यादा जो लापरवाही जो बरती जा रही है, वो ठेकेदार जो काम कर रहे हैं, मतलब खुदाई का काम किसी को देते हैं, पाइप लाइन किसी और को देते हैं, ये जो लापरवाही सिर्फ ठेकेदारों की, विभाग तो अपना काम ईमानदारी से कर ही रहा है। अमित, देखा जाता है जब भी गर्मी आती है, जब जल स्तर जो है कम हो जाता है जमीन का, उसके बाद लोग पानी के लिए परेशान होते हैं। इतनी बड़ी आबादी में अगर 2 हैंडपंप रहेंगे तो लोग कैसे गुजर बसर करेंगे? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि एक तो कम हैंडपंप है, और जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब है, कुआं वगैरह है, ये तो संसाधन है, अब धीरे धीरे सूखने लगे, तो इनका दूसरी बात ये है कि विभाग तो मेहनत कर ही रहा है। ग्रामीणों को भी ये चाहिए कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल योजना के तहत काम होता तो बिजली कनेक्शन पंचायत को ले ध्यान देना चाहिए, नल जल व्यवस्था के तहत जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये थोड़ी व्यवस्था ठीक हो जाए, ये सारी समस्या ही खत्म हो जाए। अमित, आपसे समझना चाहेंगे, कितने सालों से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं और आज जब वो जनसुनवाई में पहुंचे तो जो जिम्मेदार अधिकारी है उनका क्या कुछ कहना है? जनसुनवाई में जो ग्रामीण पहुंचे थे उनकी समस्याएं तो वाजिब थी कि उनको टंकी तो बना दी गई है लेकिन बोर वगैरह नहीं हुई है, तो बोर वगैरह हो चुका था, उनके पास मशीन वगैरह नहीं थी, तो पीएचई अधिकारी ने उनसे ये बोला था कि मैं मशीन प्रोवाइड करवा देता हूँ, आप कनेक्शन करवा लीजिए, लेकिन टेक्निकल जानकारी उनको ना होने के कारण कल मंगलवार की ये घटना है, बुधवार को पीएचई अधिकारी के द्वारा वहां पे मशीन पहुंचाकर और टेक्निकल व्यक्तियों को पहुंचाकर वहां पे कनेक्शन वगैरह करके पानी की सप्लाई सुचारू रूप से चालू की गई है, जो समस्याएं अब कम हो गई। अमित, आपने रिपोर्ट जैसी भेजी है उसके अकॉर्डिंग 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, कितने सालों से ये ग्रामीण परेशान हो रहे हैं? देखिए, आज भी ये स्थितियां निर्मित है ग्रामीण क्षेत्रों में, जो जिला मुख्यालय से काफी दूर है, वहां पे कई जगह पे सड़क नहीं है, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, ये सारी चीजें हैं। अब धीरे धीरे जो हमारे साथ अधिकारी मनोज जी जुड़ गए। मनोज जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। कई सालों से केंद्रीय गांव के जो रहवासी हैं, ग्रामीण हैं, वो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। वहां नल जल योजना तो पहुंची है लेकिन पानी नहीं पहुंचा है उसके जरिए। जी, इसमें मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि हमें पत्रकारों अपने सुनवाई जन सुनवाई में ये शिकायत हमको प्राप्त हुई थी, और क्योंकि हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से हम इसे बताना चाहेंगे, जैसे ही हमें इसमें प्रकाशन में आया, हमने तुरंत इसको ग्राम पंचायत को इनिशिएटिव लेते हुए और वहां पर हमारे सहायक एमपी के माध्यम से गाँव का सर्वेक्षण करवाया, जिसमें पाया गया कि मोटर पंप मात्र खराब थी, जिसको तुरंत बनाने के लिए कल ही उसको बनाकर और आज उसका सुधार कर हुए शाम तक वहां पर पेयजल उपलब्ध हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ग्रामवासियों को
पानी मिल जाएगा आप, क्योंकि विभाग जल जीवन मिशन के अंतर्गत काम विभाग में चल रहे हैं और ये सारे कार्य जो है तुरंत गति से और अच्छे से हों इसके लिए हम विशेष ध्यान रख रहे हैं, और गर्मी में किसी प्रकार की कोई पेयजल की समस्या ना हो इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही हम निवेदन करना चाहेंगे हमारे समस्त मंडला के ग्रामवासियों से, ग्राम पंचायतों से, कि वहाँ पर जो हमारे नल जल योजनाएं हैं उनका संचालन संधारण का देख रेख ग्राम पंचायत की अपनी खुद की संपत्ति है और हमने ये कार्य उनको करने के बाद उनको दिया है, तो कृपया कर सभी ग्रामवासी और ग्राम पंचायतें आपकी अपनी नल जल योजनाएं इसमें सहयोग प्रदान करें और आने वाले समय में अच्छे से सभी को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो ऐसी हम कामना करते हैं। मनोज जी, क्या ये लापरवाही नहीं है, क्योंकि गर्मी के मौसम में पानी की समस्या होती है तो पहले से आपको योजना को चुस्त दुरुस्त रखना चाहिए था? इसमें हम बताना चाहेंगे, अब क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं रहता ही है, तो क्योंकि वहां पर मोटर पंप खराब होना एक स्वाभाविक है कि कभी भी लाइट का कोई फ्लक्चुएशन होता है, तो इसलिए मोटर पंप खराब हो गया था, और क्योंकि ग्राम पंचायत के माध्यम से उसका सुधार कर किया जाता है, और क्योंकि अगर जल जीवन मिशन में कार्य तो वो हमारे माध्यम से किया जा रहा है, तो हमें जैसे ही प्रकाशन में आया हमने तुरंत उसको नीचे लेते हुए चालू करवाने का प्रयास किया और आज शाम तक उनको पेयजल प्राप्त हो जाएगा। मनोज जी, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है ग्रामीणों को पानी लाने के लिए? हाँ, यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, मंडला का जो यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र है वो काफी टिपिकल है और यहाँ की बसाहतें और ग्राम पंचायतें दोनों ही काफी दूर दूर रहते हैं, क्योंकि इंद्री गांव से इनकी एक बसाहत टोला है वो दूर है, तो वहाँ के लिए भी हमने एक सिंगल फेज मोटर पंप अरेंजमेंट करने के लिए ग्राम वासियों को बता दिया था, जिसमें उनके माध्यम से वो मोटर पंप डालते हुए और उससे भी पेयजल उनको प्राप्त। मनोज जी, वैकल्पिक व्यवस्था पर क्या प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया? इतनी बड़ी आबादी है और सिर्फ 2 हैंडपंप है पूरे गांव में? नहीं, मैं बताना चाहूंगा, वो पूरे गांव के लिए नहीं, वो उनके वहां के लिए है, एक्चुअली मजर टोले के लिए। मजर टोले में अधिकांश यहां पर दूर दूर होने के कारण 2 से 4 हैंडपंप हमारे यहाँ से किए जाते हैं और वहां पर ट्यूबवेल ऑलरेडी है, मगर उनके वाटर लेवल डाउन होने के कारण उनको पेयजल प्राप्त नहीं हो रहा था, तो अभी हमने उनको सिंगल फेज मोटर पंप उपलब्ध कराने का बोल दिया है, तो तुरंत वो भी उपलब्ध करवा दिया गया है और उनको इसके माध्यम से पेयजल प्राप्त होने लगेगा। मनोज जी, ग्रामीण आपको सुन रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? हम एक ही बात बताना चाहेंगे ग्रामीणों को, इस योजना का संचालन संधारण बहुत ही अच्छे स्वरूप से करें और ये योजना चूंकि आपके अपनी है, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तुरंत ग्राम पंचायत में अवगत कराते हुए हमारे पास भी वो समस्या का अवगत कराएं और जो भी समस्या का हम रकम हमारे माध्यम से किया जा सकता है हम तुरंत गति से करेंगे और उनको तुरंत पेयजल मुहैया उपलब्ध कराएंगे। तो क्या ये आप भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जो योजना है केंद्र सरकार की उसका लाभ अब लोगों को आसानी से मिलेगा? जी बिल्कुल, हम भरोसा दिलाना चाह रहे हैं और प्रतिबद्ध भी हैं, क्योंकि जल जीवन मिशन है 2024 तक हर घर जल के माध्यम से हमें शुद्ध पेयजल पहुंचाना है, यह कार्य हम बहुत ही तीव्र गति से कर रहे हैं और अब भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम भरपूर तैयारी के साथ सभी ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल प्रदाय किए जाने वाली योजनाओं को पूर्ण रूप से उनके माध्यम से शुद्ध पेयजल प्राप्त हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक तरफ गर्मी बढ़ रही है, दूसरी तरफ ग्रामीण लोग जो हैं परेशान हो रहे हैं। ग्रामीण, ऐसे में सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए ताकि उन्हें पीने के पानी की समस्या से ना जूझना पड़े। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।